पहला सवाल, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शंस हैं ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। सही जवाब है ए असम। अगला सवाल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल, डी तमिलनाडु। सही जवाब है डी तमिलनाडु। अगला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शंस हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी बंबई में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी लंदन में। अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। सही जवाब है ए सरदार पटेल। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अध नंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शंस हैं ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल, डी माउंटबेटन। सही जवाब है सी चर्चिल। अगला सवाल, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शंस हैं ए बर्नार्ड शाह, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी लियो टॉल्स्टॉय। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? ऑप्शंस हैं ए सन 1859, बी सन 1869, सी सन 1879, डी सन 1889। सही जवाब है बी सन 1869। अगला सवाल, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? ऑप्शंस हैं ए रजनीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, डी लाला राजपत राय। सही जवाब है डी लाला राजपत राय। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस हैं ए सुवर्ण रेखा, बी सोन, सी गंडक, डी कोसी। सही जवाब है ए सुवर्ण रेखा।